छत्तीसगढ़ में ईडी ने भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को एक बार फिर नोटिस भेजकर ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव मंगलवार को राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका ईडी दफ्तर पहुंचे। उनके आने की खबर सुनकर ऑफिस के बाहर भारी संख्या में उनके समर्थक भी जुट गए। कार्यालय में पेश होने के लिए उन्हें समन भेजा गया था। ईडी दफ्तर पहुंचते ही देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के शानदार बजट पेश करने के बाद भाजपा वालों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। वो पब्लिक के बीच किसी मुद्दे को लेकर नहीं जा पा रहे तो हमें बुलवा लिया और हम चले आए। हम भी ईडी अफसरों के साथ होली खेलेंगे, अपने समर्थकों को गुलाल लगाएंगे। किसी भी समर्थक को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कल छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आया है। बजट की जो प्रतिक्रिया आई है माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट की, पूरा प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के साथ खड़ी है। बेचारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई ना मुद्दा है, ना पब्लिक है, ना पब्लिक पे के बीच में जाने की कोई उनके पास कंटेंट है, तो क्या करेंगे। उन्होंने ईडी के माध्यम से हम लोगों को बुला लिया, तो हम भी आ गए होली खेलने। ईडी वालों के साथ फुल होली खेलेंगे, गुलाल खेलेंगे। सब भाइयों को मैंने कहा है या मित्रों को कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे नारे लगाने की जरूरत नहीं है, आप आनंद लीजिए। हम लोग सच हैं, हम डरते नहीं हैं। और ईडी के लोगों पर मुझे दया आती है और दुख होता है कि उनको जिस तरीके से दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ईडी ऑफिस पहुंचते ही अपने समर्थकों के बीच विधायक देवेंद्र यादव बहुत ही रिलैक्स मूड में दिखे। उन्होंने समर्थकों से होली के त्योहार को एंजॉय करने के लिए कहा। उन्होंने होली खेले और रघुवीरा जैसे गानों को ईडी अफसरों को सुनाने की बात कही। आपको बता दें, विधायक देवेंद्र यादव का 19 फरवरी को जन्मदिन था। इसके अगले दिन 20 फरवरी को ईडी के अधिकारियों ने उनके सेक्टर 5 स्थित आवास पर रेड मारी थी। उनके भाई धर्मेंद्र यादव के हाउसिंग बोर्ड स्थित घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई थी। ईडी के अधिकारियों ने देवेंद्र यादव के घर पर लगभग 17 घंटे तक कार्रवाई की। इस दौरान बंगले के बाहर विधायक समर्थकों ने जमकर हंगामा किया था। उसके बाद बाहर टेंट लगाकर भजन कीर्तन करने लगे। देवेंद्र यादव और धर्मेंद्र यादव के घर से जब ईडी के अफसरों को कुछ नहीं मिला, तब वो रात में ही रवाना हो गए। इस दौरान विधायक का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। Thank you.